क्या सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस है? क्या सचिन और सीमा का पबजी वाला प्यार अधूरा रह गया? दरअसल 2020 में सीमा और सचिन पबजी के जरिए मिलते हैं, फोन नंबर एक्सचेंज होता है, वीडियो कॉल शुरू करते हैं। प्यार इतना बढ़ गया कि रात को सोते वक्त भी वीडियो को ऑन करके सोते थे। सीमा को इंडिया का वीजा नहीं मिला और सचिन का पासपोर्ट नहीं बना, जिसकी वजह से मार्च 2023 को सीमा और सचिन नेपाल में मिलते हैं, 7 दिन तक रहते हैं और शादी कर लेते हैं। सीमा वापस चली जाती है। 1 महीने बाद यानी मई 2023 को सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से बस के रास्ते भारत पहुंचती है। इंडिया में 2 महीने गुजारने के बाद कोर्ट मैरिज के लिए जब सचिन ने अपने वकील दोस्त को कहा तो उसके दोस्त ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी, जिसके बाद सीमा और सचिन को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि बेल में बाहर आ गए, पर रिसेंटली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इनको फिर से पकड़ लिया। पर सीमा पर शक क्यों किया जा रहा है? सीमा का कहना है कि उसकी उम्र 27 साल है, पर आईडी कार्ड में उम्र 21 साल है। सीमा ने यह भी कहा कि उसने 12 लाख की जगह बेची ताकि वो सचिन से मिलने आ सके। हालांकि सीमा के पाकिस्तान के घर वाले लैंडलॉर्ड का कहना है कि ये झूठ है, इसके पास कोई जमीन नहीं है, गरीब है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए।